ये आशिता मिस कुछ नहीं होता लाइफ में। 26,000 तो खैर आना ही था, ये व्यू था कि इस एक्सपायरी से पहले आएगा, और वैसे भी बड़ा व्यू तो 27272 का है, तो इसके लिए 26,000 तो आज होना ही था, इसमें कोई डाउट नहीं था। आज सुबह ही बात हुई थी, लेकिन इशू क्या है कि आज मार्केट ने बहुत शानदार आपको मौका दिया। आज फर्स्ट सपोर्ट जोन के ठीक ऊपर आया, 25,850 का के आसपास लेने की बात थी, 25,875 तक आया, और उसके बाद अब ये 26,000 तक का मूव आया निफ्टी। मैं फिर कहूंगा कि इस मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में ना होना, और इसके लिए इस मार्केट में फिर यही एक स्ट्रैटेजी होगी कि आप लॉन्ग के साथ बने रहें, आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें। आज सुबह जो बात हुई थी, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 25,750 का था, अब उसको बढ़ाकर 25,800 या 25,850 के आसपास ले आएं और बने रहें लॉन्ग में, और 26,000-26,050 के बीच थोड़ा ऑप्शन का एक कंजेशन है, एक बार वो क्रॉस होगा तो उसके बाद फिर आप 26,150-26,200 की तरफ बढ़ेंगे। वो मुझे लग रहा है कि शायद एक्सपायरी वाले दिन आपको देखने को मिले, और उसके बाद अगली सीरीज में या उसके अगली सीरीज में शायद नवंबर में दिवाली के आसपास वो 27272 वाला जो लेवल है, जो मैजिकल लेवल एक लिया है, वो हिट होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग हुई, देखिए रोज सेक्टर रोटेशन हो रहा है, नया नया कोई ना कोई सेक्टर रोज चल रहा है। अब HDFC बैंक ने चलना शुरू किया है, उसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मार्केट को पिछले कुछ दिनों से, काफी दिन से रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है रिलायंस की बारी आ जाए। तो ये मार्केट में हायर लेवल्स पर जब आप इतने रिकॉर्ड लेवल्स के पास होंगे, ये सब चीजें होंगी और मार्केट को एक्टिव रखेंगी बेसिकली। अनुज, जो पहले तो ये जो सूचकांक का 26,000 का लेवल छू गया है, आपको भी शुभकामनाएं। और एक वो मिसिंग इंडेक्स था, मिसिंग सेक्टर था, आज निफ्टी आईटी अनुज क्या बेहतरीन पुलबैक लिया 400 पॉइंट का इसने, और पिछले 5 दिन के लो से 20 डेमा को रीगेन करता हुआ। क्या आईटी को भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए अब, क्योंकि इसमें वो रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो चुकी थी? देखिए व्यू, ये ना मार्केट जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक एक बफे होता है ना, उसकी तरह से है, आपका जो मन करे आप वो ले लीजिए, और चलना इवेंचुअली सबको है, आईटी भी चलेगा, FMCG भी चलेगा, बैंक्स भी चलेंगे, मेटल्स भी चलेंगे, क्योंकि ये बुल मार्केट है, और बुल मार्केट में पैसा इतना है इस समय, FIIs, DIIs, रिटेल सबका पैसा मार्केट को चेज कर रहा है, तो इसके लिए इस मार्केट में इट्स अ मैटर ऑफ वेन एंड नॉट इफ। जैसे पूछते हैं ना कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, नहीं कब चलेगा ये वो वाली बात है, तो चलेंगे तो सब। अब आपको तय करना, देखिए पैसा लिमिटेड है, इवेंचुअली पैसा आपका लिमिटेड होता है इसके लिए। अब आज का कंट्रीब्यूशन देखिए HDFC बैंक का सबसे ज्यादा है, कल हो सकता है कि आज FMCG नहीं चल रहा, कल FMCG चल जाए, तो ये चीज़ें मार्केट में होती रहेंगी। आज मेटल चल गए बहुत तेजी से, कल कोई और सेक्टर चलेगा, लेकिन इवेंचुअली मार्केट कोई ना कोई लीडर ढूंढ लेगा, और वो जो फाइनली वो जो 27272 वाला मार्क है वो आएगा, और इसी साल मुझे लग रहा है कि वो मार्क आना चाहिए। एक और प्रश्न है मुझे यहाँ पे, मतलब हमने बात की लक्ष्यों की निफ्टी की, बट अभी एज ऑफ नाउ जिस प्रकार का मोमेंटम है, जिस प्रकार की मनी इंडियन मार्केट्स को चेस कर रही है, FIIs, DIIs, आई थिंक इंस्टीट्यूशन मतलब रिटेल, अभी क्या लार्ज कैप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, मतलब पे फोकस करें इस पर? देखिए मेरा ये मानना है कि इन लेवल्स पर थोड़ा लार्ज कैप आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में अभी भी काफी कंफर्ट है वैल्यूएशन का, प्लस लार्ज कैप में क्या है कि अगर FII मनी चेज करेगी सबसे पहले लार्ज कैप्स को चेज करेगी। और वीरू देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये वाला जो 1,000 पॉइंट का मूव है मार्केट ने बहुत फास्ट लगाया है, और अब हम लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में जा रहे हैं, और लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर नॉर्मली हमेशा आप कभी भी देखिए ट्रेंडिंग ईयर में हमेशा लास्ट क्वार्टर उस ट्रेंड को और मजबूत करता है, तो ये इसीलिए मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो जो 27,272 जो मैं व्यू लेके चल रहा हूँ, वो यहाँ से 4% दूर है, परसेंटेज टर्म में वहां से बस 4-4.5% दूर है, तो वो आपको नवंबर सीरीज में शायद अगर आ जाए तो होगी नहीं मुझे इसमें हैरानी। और ये माइलस्टोन मुझे ना ये माइलस्टोन्स एकदम वो याद दिला रहे हैं जब हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया था, 2004 से 2007 के बीच का वो पीरियड था जिसमें तब हम सेंसेक्स के माइलस्टोन गिनते थे 1,000 पॉइंट के, अब निफ्टी के गिनते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी आते थे वो सारे के सारे माइलस्टोन्स, और 8,000 से 16,000 तो मुझे याद है कि आई थिंक 2 साल के पीरियड में ही आ गया था, तो अब ये मार्केट उस तरीके से बढ़ रही है। हाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बीच बीच में इस मार्केट में कभी कभी एकदम से 300-350 पॉइंट की करेक्शन अगर कभी आ जाएगी तो उससे घबराना नहीं है, वो एक एडिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अभी भी
वन स्टेप बैक और टू या थ्री स्टेप फॉरवर्ड है।